सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के T3 Pro डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर डायरेक्ट वीडियो कॉल सेटिंग का एक्सेस कैसे करेंगे। गाइस अगर आप विदाउट व्हाट्सएप के किसी को वीडियो कॉल करना चाहते हैं वो भी अपने फोन डायलर से, नो डाउट आप इजीली कर सकते हैं। वेल गाइस इसके लिए हमें ओपन करना होगा अपने फोन डायलर को। डायलर हमारा यहाँ पर है, इसको प्रेस करके ओपन करते हैं। डायलर का होम एंड डैशबोर्ड कुछ आपको इस टाइप से मिलेगा और यहाँ 3 डॉट का साइन होगा, इसको प्रेस करना है। देन सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है, कॉलिंग अकाउंट्स का एक सेटिंग्स होगा, इसको प्रेस करना है एंड चूज करना है SIM 1 और SIM 2। तो दोनों पे आप एक्टिवेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर डेमो सिम 1 पे एक्टिवेट करता हूँ, इसको प्रेस करते हैं। टर्न ऑन वीडियो कॉलिंग का एक सेटिंग्स होगा, अगर ये डिसेबल्ड है तो ऐसे केस में आपको ऑप्शन नहीं ऑन मिलेगा, इसको ऑन करना है। इसके बाद आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज करना है इसको। देखो गूगल डायलर की प्रॉब्लम ये है कि अगर इसके अंदर जो नंबर सेव्ड नहीं होते उसमें वीडियो कॉल का ऑप्शन ही नहीं आता। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, अभी देखो एडेड कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम पहले इस नंबर को अपने फोन के अंदर सेव्ड करेंगे, या फिर कोई सेव नंबर है तो उस पर प्रेस करके आप ट्राई कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पर एक सेव नंबर है, इसको प्रेस करते हैं तो वीडियो कॉल का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा लेफ्ट साइड में। अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो कॉल पर प्रेस करके इजिली जो है इस नंबर पर वीडियो कॉल कर सकता हूँ। सो आई थिंक समझे होंगे कैसे वीडियो कॉल सेटिंग्स को इनेबल यूज करना था Vivo के T3 Pro डिवाइस के अंदर।